यार क्या करूं, पढ़ने का दिल नहीं करता। जानता हूं कि पढ़ना जरूरी है, इम्तिहान सर पर हैं। अब नहीं पढ़ना तो कब पढ़ना है। किताब लेकर भी बैठता हूं कि आज से पढ़ाई शुरू करनी है, लेकिन बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोबाइल पर अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो भी देख लूं तो उसका असर भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहता। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। दोस्त, तुझे तब तक समझ नहीं आएगी जब तक तू कोई सपना नहीं देखेगा, जब तक तू ये नहीं सोचेगा कि तुझे जिंदगी में क्या करना है। क्या सारी जिंदगी माँ बाप के पैसे पर गुजारेगा? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी कोई इज्जत हो, तुम्हारा भी नाम हो, तुम भी लाइफ में कुछ बन पाओ, कुछ कर पाओ? और ये तब तक नहीं होगा जब तक तू कोई सपना नहीं देखेगा कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का। हमेशा याद रखना कि कामयाबी कोई भी प्लेट में रखकर नहीं देता। कामयाबी हासिल करने के लिए रातों को जागना पड़ता है, नींद से लड़ना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है। और तुम क्या समझते हो कि ये सब आसानी से मिल जाएगा? कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, अगले हफ्ते से शुरू करूंगा। कब तक कल कल करोगे? एक दिन वो भी आएगा कि तुम मरने वाले होगे। क्या उस दिन भी यही कहोगे कि आज नहीं कल मरूंगा? कल का सोचोगे तो कल भी यही सोचोगे। जो करना है आज करो, जो पढ़ना है आज पढ़ो। सपने अगर देखे हैं तो उन्हें सच करके दिखाओ। जिंदगी में अगर जीतना ही है तो खुद से जीत कर दिखाओ। क्या तुमने कभी सोचा अपने बूढ़े बाप के बारे में, जो दिन रात मेहनत करता है तुम्हारे स्कूल की, कॉलेज की फीस भरने के लिए, और तुम स्कूल में मौज मस्ती करके आ जाते हो, दोस्तों के साथ अपना टाइम बर्बाद करते हो? क्या तुमने कभी सोचा अपनी माँ के बारे में कि उसे तुमसे कितनी उम्मीद है? वो तुम्हारे लिए जीने मरने को तैयार है और तुम उनके लिए 5 मिनट पढ़ने को तैयार नहीं? आज तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोच लो कि तुमने जिंदगी में क्या करना है। आज तुम्हारे पास वक्त है, कुछ करना है तो आज ही कर लो। कल हो सकता है कि तुम कुछ करना चाहो लेकिन तुम्हारे पास वक्त ही ना हो। कुछ लोग सोते हुए सपने देखते हैं और कुछ लोगों के सपने उन्हें सोने नहीं देते। उनके अंदर आग लगी होती है, अपने सपनों को पूरा करने की आग। हमेशा याद रखना कि दिए को भी रोशनी देने के लिए पहले खुद जलना पड़ता है। आप भी अपने लिए मोटिवेशन का कोई सोर्स ढूंढ लो, अपने अंदर भी कोई आग लगाओ। कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लो जो तुम्हें पढ़ने पर मजबूर कर दे। और कुछ नहीं तो अपनी औकात के लिए ही पढ़ लो। जो लोग तुम्हें बातें करते हैं, तुम्हें ताने मारते हैं, ये कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उन्हें झूठा साबित करने के लिए ही पढ़ लो। कोई ना कोई वजह तो ढूंढो। अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो, उनकी उम्मीद हो तुम। उनको ही जिंदगी में कुछ बनकर दिखा दो ताकि वो तुम पर फखर कर सकें, अपना सीना चौड़ा कर सकें। क्या ये वजह भी तुम्हारे लिए काफी नहीं? क्या ये वजह भी तुम्हें जोश नहीं दिला सकती? दोस्तों, जिंदगी एक बार ही मिलती है, इसको जीना चाहिए। सिर्फ अपना वक्त ही पूरा नहीं करना चाहिए, जीना है तो इज्जत से जियो। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मुझे पता है, तुम बहुत काबिल हो। करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। जो काम भी तुम शौक से करते हो उसके पीछे पड़ जाते हो। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इसलिए मजीद टाइम जाया ना करो और आज से ही, अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। वीडियो को बंद करो और पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। ऐसा कुछ कर जाओ कि जो आज तुम्हें ताने देते हैं, ये कल तुमसे हाथ मिलाने के लिए आएं। और इस वीडियो में अगर कोई बात अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हमेशा ये बात याद रखना कि जिंदगी में कभी सीखना ना छोड़ना।